हैं और जानते हैं उन्हें अपने घरों में अपने डेली रूटीन में प्रयोग कीजिएगा ताकि आपको पूरा पूरा जल्दी से गोनी भाषा सीखने में अच्छा सेवाजुहार साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए नया सेंटेंस लाया हूँ जो कि दलहन से जुड़ी चीज़ें हैं और मैं इनका भी अलग अलग पार्ट बताऊंगा, मतलब शब्द बताऊंगा और सेंटेंस भी बताऊंगा साथियों। तो साथियों वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आए और आप लोग या गोंडी भाषा का कुछ सेंटेंस सीख सकें, कुछ नहीं पूरा ही सीखें। और वैसे भी यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं, दलहन चीज़ें और घरेलू सामान में मतलब घरेलू वस्तु में हम उतना ज़्यादातर नहीं बोल पाते हैं, तो ये आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो साथियों वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपका ही फायदा हो और आपको ही ज़्यादा नॉलेज साथियों मिले। चलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है चना कैसा होता है। चना का मतलब होता है गुंडी में हनई या फिर हड़ाई भी बोलते हैं इसे। तो हमारा सेंटेंस है चना कैसा होता है। तो साथियों चना कैसा होता है, हनैक बाहुन आयता कैसा होता है, कैसा होता है। तो कैसा के लिए शब्द हमारी गुंडी भाषा में बाहुन और होता है के लिए आयता होता है, मतलब हनैक बाहुन आयता, इस प्रकार से यह वाला सेंटेंस बनेगा। अगला साथियों हमारा शब्द है साथियों रहार कैसा होता है। साथियों यह रहार और अरहर ये एक ही हैं, मतलब अलग अलग हैं लेकिन एक ही नाम से इसे बोल सकते हैं। तो अरहर को हमारे गोंडी भाषा में बोलते हैं तूड़ी, तूड़ी बाहुन आयता या फिर तूड़ी बाहुन आयता, इस प्रकार से। सेम मैंने अभी जो प्रोसेस बताया था कैसा होता है, वैसे ही यहाँ पे भी उस प्रकार के शब्द लगेंगे। बाहुन आयता तूड़ी के जगह में, सॉरी रहर के जगह में हम तूड़ी लगा देंगे और साथ में बाहुन आयता कैसा होता है, तो ये लगा देंगे। साथियों बढ़ते हैं अगली सेंटेंस की ओर। साथियों हमारा तीसरा सेंटेंस है कुल्था कैसा होता है। साथियों कुल्था को हमारे गोंडी भाषा में कोड़े कहते हैं, जिससे यह भी सेम प्रोसेस है, मतलब सेम सेंटेंस है, उसी प्रकार बाहुन आयता कुल्था को कोड़े कहते हैं, तो कोड़े बाहुन आयता, इस प्रकार से इस शब्द का सेंटेंस बनेगा। साथियों साथियों अगला सेंटेंस हमारा है चौथा, अगला सेंटेंस है हमारा साथियों चौथा, उड़द अच्छा होता है। साथियों उड़द के लिए हमारी गोंडी भाषा में फूफूल का उपयोग किया जाता है, फूफूल शब्द का प्रयोग किया जाता है और उड़द अच्छा होता है, तो अच्छा के लिए चौकोट या चकोट का प्रयोग किया जाता है गोंडी भाषा में,